Welcome guys to Tanish Lakhani channel. In this video I am going to discuss about single phase induction motor. So single phase induction motor hoti kya hai, theek hai, bahut unique motor hai kyunki hamare ghar pe bhi supply single phase hi aati hai. To single phase motor ki application har jagah hai, hamari washing machine se lekar hamare refrigerator se lekar hamare fan se lekar ceiling fan se lekar hamare tufan fan. I hope aapne suna ho tufan fan, theek hai. तो बोले मुझे सिंगल फेस मोटर की वर्किंग एक्चुअली तूफान फैन से पता चलेगी, मैं वो डिस्कस करूंगा अभी आपके साथ. तो हमने इस वीडियो में क्या देखना है वो हम जान लेते हैं. हमने इसकी कंस्ट्रक्शन देखनी है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की, हमने वर्किंग प्रिंसिपल देखना है, ठीक है. और सेल्फ स्टार्टिंग कोई चीज नाम की कोई चीज आपने पढ़ी होगी, ठीक है. सेल्फ स्टार्टिंग मतलब खुद से स्टार्ट होना, ठीक है. तो जो मेरी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है वो खुद से स्टार्ट नहीं होती है, तो उसके लिए हमें क्या चीज करनी पड़ती है, ठीक है. और थ्री फेस इंडक्शन मोटर जो होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग होती है, तो सिंगल फेस क्यों नहीं होती है, ऐसी क्या चीज है जो हम कर सकते हैं उसको सिंगल फेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है. क्या चीज इंप्रूव करते हैं वो इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ. उससे पहले थोड़ा सा इंसिडेंट बताऊंगा आप लोगों को कि जब मैं 11th 12th में था तो मेरे यहाँ पर एक फैन था तूफान फैन, तो वो रोटेट नहीं कर रहा था, ठीक है. तो पापा ने क्या किया कि उसको एक बार स्टार्टिंग टॉक दे दी, मतलब उसकी पंखड़ी घुमा दी, पंखड़ी घुमाने के बाद वो रोटेट करे जा रहा था. मेरे को उस टाइम समझ नहीं आया, लेकिन जब सिंगल फेस इंडक्शन मोटर हमने एक्चुअली सिलेबस में पढ़ा ना बीटेक के, तब मेरे को पता चला कि उस टाइम ऐसा क्यों हुआ था, ठीक है. क्योंकि ये सिंगल फेस इंडक्शन मोटर जो है वो का स्टार्टिंग टॉक जीरो होता है, ठीक है. वो स्टार्टिंग टॉक बिल्कुल जीरो होता है, उसको अगर थोड़ा सा भी स्टार्टिंग टॉक मिल जाए ना उसके बाद वो कंटिन्यूसली रोटेट करता रहता है, और ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है. उसके बाद क्यों रोटेट करता रहता है वो सब मैं इसके साथ इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला, बने रहिए. सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं. कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर. तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है क्या, ठीक है. ये जो चार वर्ड्स लिखे पड़े हैं अपने आप में डिफाइन कर देंगे ये चीज है क्या. मोटर अ डिवाइस विच कन्वर्ट माई इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, दैट्स इट. इंडक्शन, इंडक्शन डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, ठीक है. वो किस प्रिंसिपल पे काम कर रही है, ठीक है. जो उसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है ना, ठीक है, वो किस वजह से हो रहा है. प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. हमने 12th क्लास में पढ़ रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैं अभी बताऊंगा, ठीक है. उसके बेसिस पे मोटर रोटेट कर रही है मेरी, ठीक है. और सिंगल फेस सप्लाई है, ठीक है. तो इट मींस दैट वी आर वर्किंग, वी आर डीलिंग विद अ बेसिक मोटर जिसको हम घरों में यूज करते हैं हमारे साथ, ठीक है. कंस्ट्रक्शन उसकी क्या है, ठीक है. हर मोटर की तरह इसमें भी क्या होगा, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में दो चीजें, नंबर वन स्टेटर, नंबर टू रोटर. एज कम टू स्टेटर, स्टेटर में क्या होता है, हमारे पास स्टेशनरी पार्ट होगा, ठीक है. सिंगल फेस है, वाइंडिंग है, ठीक है. तो सिंगल फेस वाइंडिंग होगी. वाइंडिंग किस पे होगी मेरी, एक्चुअली होता क्या है, हम क्या करते हैं एल्यूमिनियम की शीट्स लेते हैं, ठीक है. उसमें तीत काटते हैं, स्लॉट्स बनाते हैं वाइंडिंग के लिए, ठीक है. और उन शीट्स को इकट्ठा करते हैं ताकि हमारे एडी करंट लॉसेस कम हो सके. तो उसको शीट्स में काट के शीट को इकट्ठा करके एक सिलेंड्रिकल बनाते हैं जिसमें स्लॉट होते हैं, ठीक है. वो मेरे योक पे मतलब आउटर बॉडी पे अटैच होता है, ठीक है. उसमें मैं वाइंडिंग करता हूँ, ठीक है. तो स्टेटर में क्या होगा, सिंगल फेज वाइंडिंग होगी. और रोटर क्या होगा, दो टाइप के रोटर पढ़ रखे हमने थ्री फेज इंडक्शन मोटर के टाइम पे, क्या क्या, स्क्वेल केज और वायर वाउंड. तो रोटर जो होगा वो स्क्वेल केज टाइप होगा. स्क्वेल केज रोटर कैसा होता है कि इसमें ना ये शॉर्ट सर्किट रोटर होता है, ठीक है. इसमें क्या होता है, बार्स जो होती है ना, बार कंडक्टर्स, ठीक है, वो लेते हैं हम, ठीक है. कंडक्टर्स एल्यूमिनियम कंडक्टर्स होते हैं, उनको शॉर्ट कर देते हैं किससे, हमारे एंड रिंग से, ठीक है. आखिर में क्या लगा देते हैं, एंड रिंग, ठीक है. तो स्क्वेल केज टाइप रोटर होता है. जो हमने देखना है वो देखना है वर्किंग ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, ठीक है. तो वर्किंग क्या है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की, तो इसकी वर्किंग समझने से पहले हम इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं. ये है मेरे स्टेटर के पोल जिसपे मेरी सिंगल फेस वाइंडिंग होगी.
यहाँ पर मैंने क्या किया, सिंगल फेस सप्लाई दे रखी है एसी सप्लाई, यहाँ आएगा मेरा रोटर जो होगा स्क्वायर केज टाइप, ठीक है। तो अब हम समझते हैं क्या वर्किंग क्या है इसकी। तो वर्किंग समझने से पहले सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में हमने जो बात करी थी वो चीज मैंने यहाँ बना दी कि एक स्टेटर होगा जिसपे सिंगल फेस एसी सप्लाई देंगे और रोटर होगा, ठीक है। अब हमने वर्किंग समझनी है, वर्किंग समझने से पहले हमने ये देखना है कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। वर्किंग प्रिंसिपल किसी भी इंडक्शन मोटर का क्या होगा, सिंपल ई एम आई, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग क्या है कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस, ठीक है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब भी मेरा एक कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर रखता हूं तो उस पर क्या होता है, मेरा उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है, ठीक है। और इसी प्रिंसिपल पे मेरी इंडक्शन मोटर काम करती है, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल के लिए, ठीक है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, जब भी मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूंगा, ठीक है, तो मेरा क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। कंडीशन अप्लाइड किया है इस पे, मतलब एक चीज आपको रिमेंबर कर रखनी है इंडक्शन मोटर के केस में, ठीक है, कि मेरे को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, RMF होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्शन मोटर की वर्किंग के लिए सिंपल सी बात है, मुझे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तब भी मैं टॉर्क आउटपुट ला सकता हूँ, अदरवाइज नहीं आएगा, चाहे वो सिंगल फेज हो चाहे थ्री फेज हो। दोनों के केसेस में हम क्या करते हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, ठीक है। थ्री फेज में बन जाती है, सिंगल फेज में हम ऐसे अरेंजमेंट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटर लगाकर, शेडेड पोल यूज करके, स्प्लिट फेज यूज करके, ठीक है, कुछ भी करके हम उसको रोटेटिंग बनाते हैं। एक्चुअली रोटेटिंग बनाने के बाद ही हमारे को वो टॉर्क आउटपुट देती है, अदरवाइज नहीं दे सकती, ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं दे सकती, ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क जीरो रहेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, मेरे को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो ईएमआई का प्रिंसिपल समझ में आया, ठीक है। तो एक्चुअली हुआ क्या, आप इसकी वर्किंग समझ लेते हैं और ये समझते हैं कि सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर तो थ्योरी जो बताई थी मैंने, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, वो डिस्कस करेंगे कि इसकी जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो कैसी हो रही है, रोटेटिंग इन नेचर नहीं है मैंने बोल दिया, लेकिन फिर कैसी है, ठीक है, वो जानते हैं। तो मैंने क्या किया, सिंपल सिंगल फेज एसी सप्लाई दी, सिंगल फेज एसी सप्लाई दूंगा मतलब वोल्टेज अप्लाई करूंगा, वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, मेरा एसी करंट फ्लो करेगा और उसकी वजह से क्या होगा, मेरा एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, ठीक है, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या, ये चीज आपको रिमेम्बर करनी है कि अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा, तो जो नॉर्थ और साउथ पोल होंगे ना वो वैरी कर रहे होंगे, ये नॉर्थ है मान लीजिए, ये साउथ है, थोड़े टाइम बाद ये यहाँ पर आएंगे, फिर ये नॉर्थ साउथ, फिर ये साउथ नॉर्थ, फिर नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो ये चलता रहेगा, ठीक है, और हमको चाहिए क्या कि वो रोटेटिंग हो, अल्टरनेटिंग या पल्सुएटिंग ना हो। मेरी इस बात को ध्यान से समझिए, अल्टरनेटिंग और पल्सुएटिंग नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, रोटेटिंग चाहिए, रोटेटिंग फील्ड चाहिए हमें, ठीक है। तो रोटेटिंग कैसे बनाते हैं वो आगे आने वाली वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है, लेकिन सिंगल फेस की पल्सुएटिंग क्यों होती है फील्ड, वो इस वीडियो में आप समझेंगे, और इसकी वजह से वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, ठीक है। सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होती, वो ये फील्ड थ्योरी बताएगी, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी ये बताएगी कि ये सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होती, व्हाई सिंगल फेज मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, ठीक है। तो देखते हैं, तो हमने देखना है डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। According to this theory, double field का मतलब क्या? देखो revolving आ गया, ठीक है? और double field, ये pulsating field जो create हो रही है, ठीक है? इसका maximum voltage वो ले लेते flux हम 5 m, ठीक है? अब देखो, जो ये maximum जो ये field pulsating field है, नहीं alternating जो ये अल्टरनेटिंग और पल्सुएटिंग फील्ड है ना, वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है, दो फील्ड होती हैं, ठीक है,
एक्चुअली डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि दो फील्ड है जो रोटेट कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, उसकी वजह से मेरी रिवॉल्विंग फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, सॉरी पल्सुएटिंग फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो देखते क्या है, लेट से मैंने दो वेक्टर ले लिए, एक का मैग्नीट्यूड फाइव एम बाय टू, दूसरे का मैग्नीट्यूड फाइव एम बाय टू, ठीक है। इन दोनों का सम होकर ये क्या बनेगा, फाइव एम, ठीक है। इन दोनों के जो इसको अगर रेफरेंस देता हूं और इसका, इस वाले का, ठीक है, और इसका, ये जो रिवॉल्व करेगा स्टार्ट ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करेगा और ये रिवॉल्व करेगा जो ऐसे रोटेट कर रहा है। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी क्या कहती है, देयर आर टू फील्ड विच रिवॉल्व इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, जिसकी वजह से मेरी पल्सुएटिंग जो ये फाइव एम है रिजल्टेंट शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, वो थोड़े से एंगल पे मूव करे, वो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, अपर पार्ट जो कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज, नीचे वाला कर रहा है क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, अब क्या हो जाएगा उनका एंगल, ये अगर इक्वली इंक्लाइन करना है तो आपको ये देखिए, ये थीटा, ये थीटा, तो ये हो जाएगा फाइव एम बाय टू, ये भी फाइव एम बाय टू, ये हो जाएगा फाइव एम कॉस थीटा, ठीक है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर जा रहा है, ठीक है। अब जब ये यहां आ जाएंगे 90 डिग्री पे रेफरेंस के, ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो 5m by 2 और 5m by 2 जीरो हो जाएगा, यहां पर 5m या 5m cos थीटा, यहां पर जीरो, ठीक है। और फोर्थ केस क्या होगा, फोर्थ केस में क्या होगा, दोनों 5m by 2 और 5m by 2 दोनों एक ही तरफ होंगे, ठीक है, दोनों एक ही तरफ होंगे, तो यहां पर जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, 5m माइनस का, ठीक है। तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, 5m मिल रहा है, तो 5m मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद जस्ट क्या मिल रहेगा मेरे को, 5m cos थीटा, तो cos थीटा वेरिंग हो रही है, ठीक है। फिर एक टाइम क्या आएगा, जब वो परपेंडिकुलर हो जाएगा तो वो जीरो आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मेरा वो नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव में देखो 5m मिल रहा है ना मेरे को, ये नेगेटिव में 5m, ठीक है। तो जब इस फील्ड के अकॉर्डिंग क्या था, दो वेक्टर क्वांटिटी थी, दो वेक्टर रिवॉल्विंग थ्योरी थी, जो वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, वो रिवॉल्व करेगी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। उनकी जो रिजल्टेंट फील्ड आएगी ना, वो मेरे की आएगी पल्सुएटिंग या अल्टरनेटिंग फील्ड। तो ये थ्योरी मेरी रिप्रेजेंट कर रही है कि जो मेरा पल्सुएटिंग फील्ड है वो ये है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, दोनों का क्या है, दोनों फील्ड जो है मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है, ठीक है। दो फील्ड हुई, अब इससे हमें क्या पता चला कि दो पल्सुएटिंग फील्ड जो है वो दो फील्ड से मिलकर बनी है, ठीक है। तो क्या होगा, दो रिवॉल्विंग फील्ड से मिलकर बनी है, ठीक है। तो क्या होगा, जो मेरी, जिनको हम क्या कह देते हैं, फॉरवर्ड और दूसरी बैकवर्ड, दोनों फील्ड से बनकर बनी है। तो फॉरवर्ड की वजह से जो होगा, एक डायरेक्शन में मेरे टॉर्क मोटर पे लगेगा, ठीक है, और वही बैकवर्ड की वजह से एक डायरेक्शन में लगेगा, और दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड है फ्लक्स में, ठीक है, फ्लक्स का इक्वल मैग्नीट्यूड है, जिसकी वजह से दोनों का जो है, जो मैग्नीट्यूड होगा टॉर्क का, वो भी इक्वल होगा, एक का इस डायरेक्शन में, उसका दूसरे वाले का दूसरे डायरेक्शन में, ठीक है। तो जिसकी वजह से स्टार्टिंग में जो होगा ना, दोनों का जो टॉर्क है वो बराबर है, ठीक है, जिसकी वजह से मैं रोटेट नहीं कर पाता, ठीक है। दिस इज द रीजन कि दोनों का जो टॉर्क है, दोनों जो रिवॉल्विंग पल्सुएटिंग फील्ड के, जो दोनों रिवॉल्विंग फील्ड है, दोनों का टॉर्क बराबर लग रहा है रोटर पे, एक का इस डायरेक्शन में, एक का इस डायरेक्शन में, तो वो रोटेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम देखते, तो हमने अभी तक क्या देखा कि मेरे पास दो टॉर्क होंगे, फॉरवर्ड टॉर्क और बैकवर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग। जब मेरे पास सिंपल एक मेन वाइंडिंग है, मेरे पास सिंगल फेज में, सिंगल फेज मोटर में जब मेरी मेन वाइंडिंग है सिंगल फेज की, तो उस टाइम पे क्या होगा, मेरा स्टार्टिंग के टाइम पे मेरे TF इज इक्वल टू TB होता है, फॉरवर्ड टॉर्क और बैकवर्ड टॉर्क दोनों इक्वल हो जाता है, जिसकी वजह से मेरा रोटर रोटेट नहीं कर पाता, ठीक है। तो हम जितनी भी अरेंजमेंट करते, चाहे वो कैपेसिटर लगा कर करें, चाहे शेडेड पोल यूज करके करें, या स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर यूज करें, सब में
कुछ अरेंजमेंट जो करते हैं वो इसलिए करते हैं कि ये दोनों जो है इनमें से कोई एक ज्यादा हो जाए और जिस डायरेक्शन में मोटर रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, जिस डायरेक्शन में जोन सा टॉर्क ज्यादा हो गया उसी डायरेक्शन में मेरा जो रोटर है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो हम चाहते हैं दोनों में से कोई एक ज्यादा हो जाए, इसलिए सारी अरेंजमेंट यूज करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फॉरवर्ड स्लिप क्या रहेगी और बैकवर्ड स्लिप क्या रहेगी। तो फॉरवर्ड स्लिप क्या होगी, SF स्लिप से आपको समझ में आता है एक्चुअली क्या होता है, मेरे पास सिंक्रोनस स्पीड है। सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है, जिससे मेरा जो स्टेटर की फील्ड है वो रोटेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और एक्चुअली जो मेरी रोटर की स्पीड होती है इंडक्शन मोटर में वो रोटर की स्पीड से जो रोटेटिंग फील्ड है ठीक है उससे थोड़ी कम रहती है। ठीक है, कम रहती है तो उसको हम एन से डिनोट कर देते हैं। तो NS क्या है मेरा, सिंक्रोनियस स्पीड, और N क्या है मेरा, रोटर स्पीड। ठीक है, तो स्लिप क्या हो जाएगी, एन एसिंक्रोनियस माइनस N अपॉन में N। ठीक है, और जो ये मेरी फॉरवर्ड स्लिप होगी, और जो बैकवर्ड स्लिप होगी वो क्या होगी, एन एस माइनस, वो बस इसी स्पीड से रोटेट कर रहा है जो दूसरी वाली स्पीड है, वो जो टॉर्क जो होगा जिस अगर दूसरी वाली बैकवर्ड टॉर्क अगर लगता है तो उसकी स्पीड भी यही होगी, बस उल्टी डायरेक्शन में होगी, जिसकी वजह से मैं ले लेता हूं माइनस एन। ठीक है, तो ये एस हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा एन एस प्लस एन बाय एन एस। ठीक है, और अगर फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 2 माइनस एस। ठीक है, तो दिस इज द स्लिप फॉर माय फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड दिस इज स्लिप फॉर माय बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये दो स्लिप आ गई मेरे पास। ठीक है, तो अब स्लिप आ गई, स्लिप के बाद हमें क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। एक्चुअली टॉर्क जो स्टार्टिंग पोजीशन होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम ड्राइव कर रहे हैं कि टॉर्क जो होगा वो जीरो होगा स्टार्टिंग पे। ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन पे, तो स्टार्टिंग पोजीशन पे टॉर्क जीरो होगा वो हम प्रूव कर चुके हैं थ्योरेटिकली डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी से। ठीक है, लेकिन मैथमेटिकली इस चीज से प्रूव होगा। ठीक है, स्लिप निकल गई हमारी। सो अब हमारा जो हमें पावर पता है, पावर इन एयर गैप वो क्या होती है, 1 माइनस एस बाय एस इंटू में मेरा रोटर में लॉसेस, ये होती है I2 और R2 का रोटर का करंट है, और ये R2 क्या है, रोटर की रेजिस्टेंस है। ठीक है, और टॉर्क क्या होता है मेरा, टॉर्क आउटपुट अगर बात करूं तो क्या होता है, PG बाय एंगुलर स्पीड। तो PG बाय 2 pi n। ठीक है, और n क्या होता है, n क्या होता है मेरा 2 pi n, क्या होता है मेरा 1 माइनस s इंटू में ns। ठीक है, तो टॉक मेरा ये होता है, तो इससे मेरे टॉक की स्लिप पता है मुझे दोनों की। ठीक है, तो स्लिप मैं वहां पुट कर सकता हूं। ठीक है, और पीजी की वैल्यू भी, तो टॉक क्या आएगा मेरा, पीजी की वैल्यू पुट करके पहले वो देखते हैं, 2 pi ns इंटू में s I2, और इसको और क्या लिख सकते हैं, 2 pi ns। ठीक है, 2 pi ns कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड भी मेरी कांस्टेंट ही रहेगी, तो मेरा क्या हो जाएगा, I2² R2 बाय इनटू में k अपॉन में मेरी स्लिप। तो ये आ गया मेरे टॉर्क का फॉर्मूला फॉर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो हम ये इससे निकालेंगे मेरा फॉरवर्ड और बैकवर्ड टॉर्क। ठीक है, तो इसको रब कर रहा हूं मैं स्लिप को मैं लिख लेता हूं यहां पर, SF जो है मेरा वो है S, और S बैकवर्ड जो है वो है 2 माइनस एस, ताकि मेरे को जो नेट टॉर्क निकाला वो निकाल सकूं मैं। तो जो नेट टॉर्क आएगा मेरा फॉरवर्ड में, उसमें अगर मैं पुट करूं तो वो आ जाएगा मेरा फॉरवर्ड का, तो SCA स्लिप तो वो ही रहेगा। ठीक है, बैकवर्ड का क्या आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा टॉर्क, तो माइनस साइन, कॉन्स्टेंट के, करंट वही और रेजिस्टेंस भी वही, लेकिन स्लिप चेंज हो जाएगी 2 माइनस एस। ठीक है, तो जब मेरी स्टार्टिंग पोजीशन पे होता है ना, ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन पे क्या लेते हैं हम, स्लिप 1 लेते हैं। ठीक है, तो स्लिप 1 लिया अगर मैंने स्टार्टिंग पोजीशन पे, तो एक्चुअली होगा क्या, ये 1 और ये 1, तो नेट टॉर्क की बात करूं तो वो क्या होगा, TF प्लस TB। ठीक,
तो टी एन क्या होगा, ये क्या हो जाएगा के आई स्क्वायर टू आर टू फॉर दिस सिचुएशन, ठीक है, ये हो जाएगा आर टू प्लस में ये आएगा, तो यहाँ पर वन फुट करूंगा स्लिप, तो ये भी माइनस का आएगा और ये वन आ जाएगा, तो ये भी क्या आएगा के आई टू, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएंगे जीरो। दिस इज अ मैथमेटिकल प्रूफ कि मेरा जो टॉर्क है, नेट जो टॉर्क है वो जीरो रहता है मेरा स्टैंड स्टिल कंडीशन पे, जब मेरे स्टार्टिंग पोजीशन पे होता है, ठीक है। इसका यूज करके हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। तो हमने देखना है टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो एज यूजुअल जो हमारा होता है स्लिप यहाँ, ठीक है, टॉर्क मेरा यहाँ, लेट्स से एस इक्वल्स टू जीरो, एस इक्वल्स टू वन, एस इक्वल्स टू टू। तो हमने अब स्लिप के अकॉर्डिंग प्रूव करना है, तो हम आपको वो इक्वेशन जो पहले लिखी हुई थी वो याद रखनी है। जब हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या होगा, एस इक्वल्स टू टू पे मेरा ये स्लिप जो होगी वो कुछ ऐसे जाएगी, मेरी फॉरवर्ड होगी वो कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक मेरा कब है, जब मेरा ड्यू टू फॉरवर्ड टॉक, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बैकवर्ड की बात करूं तो उसका कुछ ऐसे जाएगा, अगर ये ऐसे, ये मेरा बैकवर्ड का है, बैकवर्ड टॉक है। और अगर जो मेरे को रिजल्टेंट, क्योंकि हमारा रिजल्टेंट टॉक जो होगा सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का, वो कैसा होगा, वो कुछ इस टाइप का होगा, ये मेरा रिजल्टेंट है, ये मेरा रिजल्टेंट टॉक है। तो देखिए स्लिप एस इक्वल टू 1 पे मैंने आपको बताया था जब मेरा नेट टॉक जीरो रहता, ठीक है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसकी, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या चीज देखी, वाई सिंगल फेस इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, ठीक है। तो उसका डबल फील रिवॉल्विंग थ्योरी से पढ़ा हमने उसको, हमने उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव किया, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करके दिखाया मैंने आपको, ठीक है। तो आगे आने वाली वीडियो में क्या करना है, उसको स्टार्टिंग करना है यार, उसको रोटेट करवाना है, और क्या करना है, तो बने रहिए मेरे साथ। और एक और बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक जरूर करना, और नहीं अच्छी लगती तो डिसलाइक जरूर करना, ठीक है, लेकिन पुश करके जाना, ठीक है। Thank you guys.